हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं हूँ डूंगरपुर के बादल महल के यहाँ, और बादल महल एक म्यूज़ियम भी है और एक छोटा सा बीच में लेक के ऊपर बीच में बसा हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके से है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ पूरा बादल महल का आउट व्यू, फिर दिखाता हूँ म्यूज़ियम के अंदर का व्यू। सो ये है पूरा आउट व्यू, जो कि ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है बादल महल, इसके अंदर म्यूज़ियम है, और ये जो पूरा बना हुआ है ये लेक के बीच में बना हुआ पूरा इस तरीके से। चलो दिखाता हूँ पूरा व्यू आपको यहाँ का। गाइज, इसका उद्घाटन 9 अगस्त 2016 को किया गया था वसुंधरा राजे के द्वारा, जो उस वक्त की राजस्थान की सीएम थी। 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था, जो उस वक्त से ये बना हुआ है। ये पूरा जो बनाया हुआ है इन्होंने, ये लेक के बीच में बनाया हुआ है। तो चलो इसके अंदर चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, कि म्यूज़ियम में क्या चीज़ है और क्या नहीं, देख लेते हैं अंदर चल के वो भी। तो बने रहिए चैनल के साथ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलता हूँ आपसे म्यूज़ियम के अंदर।
सो ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये बादल महल के अंदर म्यूजियम का व्यू है। ये कुछ इस तरीके से इन्होंने पेंटिंग्स, स्टैचू और कुछ इस तरीके से आर्किटेक्ट किया हुआ है जो आप इसके ऊपर देखेंगे। ये बांस से बना हुआ है और मिट्टियों से बना हुआ है अंदर से, और इसका जो छत है वो कुछ इस तरीके का है। ये पूरा इन्होंने ये कुछ इस तरीके की पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं दूसरी तरफ। आगे का जो सिरा है वो कुछ इस तरीके का है। इन्होंने ये पुराने इक्विपमेंट्स जो है ये रखे हुए हैं। ये पहले के लोग हैं, उनकी कुछ तस्वीरें हैं यहाँ। ये कुछ औजार रखे हुए हैं, ये कुछ म्यूजिक सिस्टम। पहले ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को यूज़ होता था। इधर कुछ तस्वीरें हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंटेन के लिए एसी लगाई हुई है। ये कुछ मूर्तियों का, कुछ जो खिड़की हुआ करती थी उस वक्त की, ये वो है। और इधर जो है ये जैसे हम आज जो विंडो के अंदर यूज़ करते हैं, ये उस तरीके का पत्थरों का बना हुआ है पूरा तरीके का। ये दीवारों में और पत्थरों में जो विंडो के अंदर यूज़ करते थे ना, पत्थरों वाला ये पूरा स्टोन्स का है सारा सीन। इधर भी इन्होंने पेंटिंग्स ही लगा रखी है पूरा। इधर ये कुछ ढोल है, ढोल टाइप में कुछ। अंदर चलते हैं। अंदर ये पहले के टाइम का कुछ, ये चूल्हा, ये रसोई बना रखी है इन्होंने यहाँ पे। ये पूरा इसी तरीके से बनाया हुआ है। ये पेंटिंग्स है और ये इन्होंने एक स्टैचू बनाया हुआ है पूरा। तो पीछे की तरफ आप देखेंगे पूरी लेक है। चलो चलते हैं इसके बाहर और दिखाता हूँ आपको बाहर का नज़ारा। सो ये था नीचे वाला जो आपने देखा। अब इधर से ऊपर भी कुछ म्यूजियम टाइप का ही कुछ बना हुआ है, तो ऊपर क्या सीन है चल के देखते हैं। और ऊपर से कुछ नज़ारा कुछ इस तरीके का है यहाँ का जो लेक है। बहुत छोटी सी सिटी है लेकिन बहुत क्लीन और बहुत प्यारी सिटी है। मैं अगर इतना लंबा रुका हूँ कभी तो इसी सिटी में रुकूँ, बाकी कहीं रुकने का इतना मन करता नहीं, क्योंकि यहाँ पे शांति है और छोटी सी सिटी है। आप घूमोगे डेली, एक ही जगह घूमोगे तो भी आप पकोगे नहीं, यहाँ पे आराम से घूम सकते हो डेली भी। बहुत पीस है और क्लीन है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये कि क्लीन सिटी है बिल्कुल। चलो अंदर का म्यूज़ियम देख लेते हैं कि अंदर क्या सीन है। जो मैंने आपको दिखाया वो लेफ्ट हैंड साइड का था मेरा, और सांद जो आप देखेंगे जो उधर भी लेक है, बहुत बड़ी लेक बनाई हुई है, वो राइट हैंड साइड है। और ये है ऊपर जो म्यूजियम में है, ये उस टाइम के जो थे इनके महाराज राज सिंह, डूंगरपुर के जो महाराज थे उनका इन्होंने एक डमी बनाया हुआ है। और ये है कुछ तस्वीर, कुछ पेंटिंग्स। जो पुराना डूंगरपुर हुआ करता था वो इस तरीके का हुआ करता था। इन्होंने पुरानी तस्वीर लगाई हुई है पूरी। और ये है महारावल उदय सिंह, जो पहले थे, प्रथम लिखा हुआ है यहाँ, जो पहले यहाँ के राजा थे, महारावल उदय सिंह नाम था इनका। और यहाँ पूरा आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं इनका राजा कब थे, कौन सी ईस्वी में था, कौन से राजा थे। 17वें राजा थे राज्य के, डूंगरपुर राज्य के, कुछ ऐसा भूतपूर्व पहले, 17 मार्च 1527 ईस्वी। आप पढ़ सकते हैं इसको पूरी तरीके से, और वैसा ही इसमें भी मेंशन है, ये भी आप पढ़ सकते हैं पूरा। जो महाराज राज सिंह डूंगरपुर हैं इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से।
और ऊपर का जो कारीगरी की गई है इनके, ये तो चलो आज के टाइम का ही है सब, कुछ इस तरीके की है जो आप देख रहे हैं अभी। और इधर है ये कोई दूसरे महाराज हैं इनके, महाराज डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी, जो इनका ये पूरा है डेटा वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वो है ना वो पीढ़ी बाई पीढ़ी, राजा का बेटा राजा, राजा का पोता राजा, सभी है तो उस टाइप का ये सारा। ये है महारावल लक्ष्मण सिंह जी, ये कौन है, ये है जो भी है आप देख के पढ़ लें यहाँ पे पूरा प्रॉपर, ये पूरा मेंशन किया हुआ है। और एक इस वायर में भी है पूरा, ये रास्ता है पूरा अंदर का, इन्होंने पेंटिंग सुना रखी है यहाँ पे। तो इस साइड में चलते हैं, इस साइड में क्या है, इस साइड में पुरानी गुंबद की पेंटिंग्स है कुछ, और जो हथियार रखे हुए हैं यहाँ पे वो लगाया हुआ है, जैसे नीचे की तरह है पीछे बैक साइड में वैसे ही ऊपर भी डाला हुआ है। यहाँ पे इनकी कुछ तलवार है और ये क्या बोलते हैं इसको, हथियारों की सुरक्षा ढाल बोलते हैं इसको, तो वो है। और इधर कुछ तलवार है और ढाल है इसकी, और ये कुछ चाकू है नीचे, कुछ हथियार है जो भी है, इधर भी कुछ ये तलवार ही डाल रखी है इन्होंने और ढाल है इधर ही। चलो सामने की तरफ देखते हैं सामने क्या है। सामने ये सामने की तरफ इधर की तरफ इन्होंने टर्बन है जो पुराने टाइम की है, और इधर ये कुछ बर्तन है जो किचन के इनके कुछ बर्तन टिफिन, और ये केतली टाइप की कुछ दिख रही है वो है, लाइट्स है सामने वो जिसे हिंदी में शायद लालटेन कहते हैं, ये पुराने टाइम की है सारी ये केतली और ये सब कुछ बर्तन है पुराने टाइम की। इधर भी टर्बन्स लगाए हुए हैं इन्होंने, और ये पगड़ी है पूरी टर्बन पगड़ी हिंदी में बोले तो, ऊपर का जो है इसका कुछ वर्क इस तरीके से किया, ये भी अभी के टाइम का ही है। इधर ये कुछ बाजार की पुराने लोगों की तस्वीर है जो इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है, और इधर जो है इन्होंने ये पूरा भाला तीर और कमान ये सारी चीज़ें इन्होंने इधर लगा रखी है। और इधर कुछ इस तरीके से हैं। तो ये था बादल महल का म्यूज़ियम जो मैंने आपको नीचे का और ऊपर का दोनों तरीके से पूरा बता दिया और समझा दिया, क्योंकि इतनी कुछ हिस्ट्री लिखी हुई थी नहीं, और जो थी वो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाके सीधा, जो मैंने आपको मेंशन किया यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ये है इसका राइट हैंड साइड पूरा जो नीचे से भी मैंने दिखाया है, ऊपर से है थोड़ा सा व्यू। सो आपने देखा अभी डूंगरपुर का बादल महल, बहुत प्यारी सिटी है, एक छोटी सी सिटी है। सबसे पहले तो ये कि क्लीन सिटी है, यहाँ पे मन लगता है आने में। और वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो के अंदर और चैनल पे।